ये तो मम्मी ने गर्मा गर्म जलेबियां बनाई है। जलेबी? दोस्तों, जिन्होंने भी 80 और 90 के दौर को करीब से देखा है, उन दिनों टीवी सीरियल और फिल्मों के बीच आने वाले टीवी विज्ञापनों को नहीं भूले होंगे। खासकर उस विज्ञापनों में काम करने वाले बाल कलाकार सभी का मन मोह लेते थे। वो बच्चे उस समय काफी पॉपुलर हुआ करते थे। मगर कभी सोचा है कि उन विज्ञापनों को खास बनाने वाले बच्चे अब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? चलिए आज हम आपको पुराने दौर में ले चलते हैं और बताते हैं कि वो बच्चे कौन थे जो रसना से लेकर धारा या फिर सन ड्रॉप ऑयल या फिर एक्शन शूज के विज्ञापनों में नजर आते थे। आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि इनमें से कोई बड़ा डॉक्टर या फुटबॉलर बन गया तो किसी का खौफनाक अंत हो गया। पुराने दौर के विज्ञापनों में सबसे पहले बात करते हैं रसना एड के बारे में। दोस्तों, अगर आपको 80-90 वाला दौर याद है तो आपको रसना का एड भी याद होगा। छोटी सी बच्ची आती थी और कहती थी आई लव यू रसना। उसके सिर्फ बोलने भर से मन मीठा हो जाता था। क्या आपको पता है कि यह छोटी सी बच्ची अब क्या कर रही है? रसना के विज्ञापन में आने वाली बच्ची अंकिता झावेरी थी। 1976 की बात है। अहमदाबाद में खंबाटा परिवार था जिसने इसे जाफे के नाम से लॉन्च किया था। मगर बात नहीं बन रही थी क्योंकि कोई ऑरेंज सॉफ्ट ड्रिंक को जाफे के नाम से जान ही नहीं पा रहा था। ऐसे में उस परिवार के बेटे अरीज खंबाटा ने इसका नया नाम रखने की सोची। इन्होंने इसे फलों के रस से जोड़ दिया और जाफे को रसना नाम दे दिया। मगर अब इसे मध्यम वर्ग से जोड़ना था। ऐसे में एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की तलाश हुई जो घर घर से जुड़ जाए। लेकिन अरीज ने कहा कि बच्चा नहीं बच्ची को ऐड मिल लिया जाए क्योंकि रसना लड़की का नाम ज्यादा लगता है। अंकिता झावेरी उस समय बच्ची थी। उनको यह विज्ञापन मिल गया। बस फिर क्या, अंकिता का रसना ग्लास देखकर बोलना आई लव यू रसना इतना मशहूर हो गया कि घर घर में सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब ही रसना बन गया। अंकिता ने भी इसके बाद साउथ फिल्मों का रुख कर लिया। 2003 में जूनियर एनटीआर के साथ आई उनकी फिल्म सिम्हाद्री से अंकिता साउथ में छा गई थी। इसके बाद इन्होंने कई हिट फिल्मों से भरपूर नाम कमाया। साल 2016 में अंकिता ने मशहूर बिजनेसमैन विशाल जगताप के साथ अमेरिका में शादी कर ली। दोस्तों, विज्ञापनों के जरिए घर घर पर छा जाने वाली दूसरी बाल कलाकार रसना के ही एड में नजर आती थी। अंकिता के बाद वो दूसरी रसना गर्ल बन गई और देखते ही देखते उसकी लोकप्रियता ने अंकिता को भी मीलों दूर छोड़ दिया था। इस बाल कलाकार का नाम तरुणी सचदेवा था। 14 मई 1998 को जन्मी तरुणी के पिता बिजनेसमैन हैं, जबकि माँ गीता सचदेव स्कॉन मंदिर की भक्त मंडली की सदस्य थी। जिस उम्र में दूसरे बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते, उस उम्र में मुंबई में रहने वाली तरुणी मंदिर के नाटकों में एक्टिंग करने लगी थी और यहीं से पहली बार उसको रसना गर्ल बनने का मौका मिला। मासूम सी बच्ची का रसना विज्ञापन इतना मशहूर हो गया था कि लोग पुरानी वाली बच्ची को भूल गए थे। तरुणी इसके बाद लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। उनको एक के बाद एक कोलगेट, ICICI बैंक, रिलायंस मोबाइल, शक्ति मसाला जैसे कई टेलीविजन विज्ञापन मिल गए थे। तरुणी को फिल्मों में भी काम मिलना शुरू हो गया था। अमिताभ बच्चन के साथ पा फिल्म में इन्होंने काम किया था। शाहरुख खान के टीवी शो के आप पांचवी पास से तेज है में भी तरुणी कंटेस्टेंट बनकर पहुंची थी। मगर आपको पता है कि बड़े बड़े सितारों के साथ काम कर रही तरुणी अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, इनका अंत बेहद दर्दनाक हुआ था। साल 2012 की बात है। तरुणी का जन्मदिन था तो माँ ने नेपाल जाकर दर्शन करने का प्लान बनाया। तरुणी का नेपाल जाने का मन नहीं था लेकिन माँ ने जिद की तो साथ चली गई। जाते जाते अपने दोस्त से गले मिली और हंसकर कहने लगी कि कहीं प्लेन क्रैश हो गया तो ये आखिरी मुलाकात होगी। सब उसके बात पर हंस दिए मगर किसी को क्या पता था कि ये बात सच होने वाली है। तरुणी जिस प्लेन में माँ के साथ सवार हुई वो प्लेन क्रैश हो गया और फिर 14 साल की तरुणी और उनकी माँ दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। तीसरा एड तो आप भूल ही नहीं सकते। टीवी पर जैसे ही आवाज आती वैसे ही दिमाग में घुंघराले बाल वाला बच्चा आ जाता है ना। 90 के दौर में जूते के एड में आने वाला बच्चा पता है कौन था और अब कितना बड़ा आदमी बन गया है? चलिए हम आपको बताते हैं। घुंघराले बाल वाला वो चाइल्ड एक्टर तेजन था। पूरा नाम तेजन दीवान जी। बम्बई में जन्मा यह बच्चा भले ही छोटी उम्र में जूते के विज्ञापन में नजर आया करता था मगर वो पढ़ाई में बड़ा होशियार था। इसी वजह से इन्होंने आगे चलकर एक्टिंग की दुनिया में न जाने का फैसला कर लिया था।
शुरू से ही डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले तेजन ने पढ़ाई पर फोकस किया। आगे की पढ़ाई के लिए तेजन साल 2008 में अमेरिका चले गए। यहाँ इन्होंने नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। फिर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन ज्वाइन किया। 2013 में एमडी करने के बाद तेजन अब अमेरिका के मशहूर कैंसर डॉक्टर बन गए हैं। वो मैरीलैंड में रहते हैं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में स्पेशलिस्ट हैं। चौथे एड की बात करें तो 90 के दशक का ये एड न आप भूले होंगे और न ही इसमें दिखने वाला बाल कलाकार। धारा ऑयल का यह विज्ञापन था जिसमें दिखने वाला चाइल्ड आर्टिस्ट फरजान दस्तूर था। आपको भी यह एड याद होगा जब बच्चा गुस्सा होकर रेलवे स्टेशन पर चले जाता है और जलेबी की बात सुनकर वापस आ जाता है। मगर क्या आपको पता है कि फरजान कंपनी की पहली पसंद नहीं था, उसे तो यह एड किस्मत से मिल गया था। इस एड को बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। असल में उस दौर में धारा तेल की डिमांड घटती जा रही थी, कंपनी को किसी भी हाल में सेल बढ़ानी थी। योजना बनी कि एक विज्ञापन बना जाए जिसमें माँ और बेटे के साथ कंपनी के तेल में पके खाने का इमोशनल जुड़ाव हो। स्क्रिप्ट बनी तो उस समय था कि बच्चा गुस्सा होकर रेलवे स्टेशन चला जाता है और जलेबी के बाद कचौरी की बात सुनकर लालच में वापस घर आ जाता है। मगर एड में एक बुनियादी गलती थी जो इस विज्ञापन को बना रही मुद्रा कंपनी के तत्कालीन हेड जगदीश आचार्य की माँ ने बताई। जगदीश ने जब बातों ही बातों में स्क्रिप्ट अपनी माँ को सुनाई तो वो बोली कि छोटे बच्चों को कचौरी का इतना लालच नहीं होता कि वो घर वापस आ जाए, ये उनके लिए बहुत मसालेदार होता है। तो उन्होंने कचौरी की जगह जलेबी का आइडिया दिया और इस तरह बच्चे के हाथ में जलेबी आ गई। मगर जिस बच्चे को ऐड करना था वो अचानक बीमार पड़ गया। फरजान दस्तूर उस समय छोटे बच्चों की आवाज डबिंग करता था। जब उसको जलेबी बुलवाया गया तो उसकी आंखों की चमक देखकर उसी को ये एड मिल गया और यह विज्ञापन इतना अच्छा बना कि धारा तिल की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। 1993 में मुंबई में जन्मे फरजान को इसके बाद कुछ कुछ होता है फिल्म में रोल मिल गया, वही सिख बच्चा जो कि सिर्फ इशारे किया करता था। फरजान ने मोहब्बतें, जुबेदा, कभी खुशी कभी गम, कहो ना प्यार है जैसी फिल्मों में भी रोल किया था। धारा की एड में रोल करने वाला यह छोटा सा बच्चा फरजान अभी बड़ा हो चुका है और फिल्म लाइन में कमाल कर रहा है। ये मशहूर स्क्रिप्ट राइटर बन गए हैं, कई फिल्मों के स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। साल 2021 में इन्होंने बेलना श्राफ नाम की लड़की से लव मैरिज कर ली थी। वो अपनी पत्नी, माता पिता और भाई के साथ मुंबई में रहते हैं। आइए पांचवें विज्ञापन सनड्रॉप तेल और उस बाल कलाकार की बात करते हैं। इस एड में पीला जंपसूट पहने एक बच्चा नजर आता था जो सोकर उठता है तो खुशबू सूंघकर रसोई की ओर भागता है। रास्ते में खुद से बड़े बड़े गुलाब जामुन और पूड़ियां देखकर चौंक उठता है। उस दौर के बच्चों में यह मशहूर हुआ करता था। इसमें जो बच्चा दिखाया गया था उसका नाम निशांत मेहरा है। बम्बई के रहने वाले निशांत उस समय सिर्फ 7 साल के थे। एड मेकर्स को वो पसंद आ गए थे और उनको ये विज्ञापन मिल गया जिसमें उनको उस दौर के लोगों के दिमाग में अमर कर दिया। हालांकि निशांत आगे चलकर एक्टिंग में नहीं गए, वो एक बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे। निशांत ने मुंबई में फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया और अपनी मेहनत के दम पर वो कुछ ही समय में इस क्लब के कैप्टन बन गए। वैसे निशांत देश के बड़े फुटबॉलर बनकर उभर रहे थे मगर अचानक बदकिस्मती ने उनको घेर लिया। फरवरी 2011 में वो डोपिंग टेस्ट में फंस गए, उन पर 2 साल का बैन लग गया। बस यहीं से उनका करियर खराब हो गया। उन्होंने वापसी तो की लेकिन फिर वो पहले जैसा जादू नहीं रहा। इन दिनों सनड्रॉप बॉय बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देता है। वैसे क्या आपको पता है कि निशांत को पता ही नहीं है कि इस एड के दम पर वो कितने मशहूर हो चुके थे। दोस्तों, आपको इन पांचों विज्ञापनों में से कौन सा याद है और आपको इनमें से कौन सा बाल कलाकार पसंद था, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह के पुराने यादों को ताजा करते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी को आज ही सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।